फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्निग्धा डायरी। आज किस नए ब्लॉग में आप लोग को मैं स्वागत करती हूँ। आज किस ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि आज अभी हम लोग आके पहुँच गए एक विलेज में। विलेज का नाम है पक्तागुर। आज किस ब्लॉग में आप लोग को मैं दिखाऊंगी विलेज की लाइफ स्टाइल कैसा होता है, सुबह से शाम लोग क्या करते हैं, कैसा खाना बनाते हैं, मतलब उन लोग के घर में कौन सा डोमेस्टिक एनिमल्स है, उसको क्या खिलाते हैं, उन लोग खुद कैसा खाना बनाते हैं, उन लोग सब कुछ आपको इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको तो सिटी की लाइफ स्टाइल मैंने देखा, लेकिन जो रियल पर्टिकुलरली उज्बेकिस्तान के विलेज में उन लोग कैसा लाइफ स्टाइल जीते हैं, आप लोग आज इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो जुड़े रहिए एंड तक, बिल्कुल स्किप मत करिए एंड देखिए एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको उज्बेकिस्तान की विलेज कैसा लगा एंड उनकी लाइफ स्टाइल कैसा लगा एंड उन लोग की जो डे लाइफ में सुबह से शाम तक वो लोग क्या करते हैं, वो सब कुछ आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। घर के सामने है आप लोग को ये जो ग्रेप्स का प्लांट देखिए, ग्रेप्स और एक 15-20 डेज में रेडी हो जाएगी, खाने की लायक हो जाएगी। आप लोग देखिए उनके घर के सामने की नजरिया मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, इस तरह सा है उन लोग का घर के सामने का नजरिया। तो पूरा ग्रेप्स है यहाँ पे शायद एंड ये चेरी है, चेरी को निकाल के लोग जैसे मैंने आप लोग को दिखाऊंगी वो लोग किस तरह से चेरी को जूस बनाते। देखिए एक एक ट्री में कितना सारा ग्रेप्स यहाँ पर है, देखिए भर भर के है, बहुत ज्यादा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। इतना स्पेशियस देखिए उनके घर के सामने का आंगन में आप लोगों को दिखाती हूँ, कितना ज्यादा प्लेस है घर के सामने और फ्लावर्स जितना है, फ्रूट्स भी उतना है, सब कुछ उन लोग लगाया गया है। मतलब रियल जो विलेज की मजा आती है ना, एक तो अलग लेवल की मजा आ रही, इधर बहुत ही अच्छा लग रही। देख सकते हो जो हमको इन्वाइट किया उनके वाइफ है एंड उनके चाचा जी जो है वहां पर बैठ के बात कर रहे हैं एंड इन लोग का जो खाने पीने का दस्तरखानी रहती है, उन लोग यहीं पर बैठ के भी शाम के टाइम में भी, अभी देखो धूप है, वो लोग यहीं पर खाना नहीं खाते, जब धूप नहीं रहता उस टाइम की बात में कर रहे हो, इन लोग का यहाँ पे रहता है खाना पीना, चारों तरफ सब लोग बैठते हैं, बीच में खाना ऐसा रहता है उन लोग का दस्तरखाना, वहीं पर खाना खाते हैं लोग। मैं आप लोग दिखाती हूँ उनके घर की नजरिया कितना अच्छा है, उतने प्यारे लोग है एंड इतना दिल से हम लोग इनवाइट किए, उन्होंने हमेशा इनवाइट करते, हम आ नहीं पाते, बहुत ही अच्छे हैं एंड उनका घर की जो माहौल इतना अच्छा है, इतना बड़ा स्पेशियस है, घर के सामने की एरिया है एंड घर में उन लोग को अभी हम लोग को खिलाने के लिए नान भी प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगी उन लोग कैसा तंदूरी भाटी लगाते हैं, किस तरह सा घर में नान प्रिपेयर करते। देखिए अभी बैक साइड में आप लोग देख सकते हो उन जो हम लोग को इन्वाइट किए उनकी नाना उनकी नाना जी, उन लोग का सब फोटोज़ लगा गया है यहाँ पर, आप लोग को यहीं पर देखने के लिए मिलेगा वो लोग तंदूरी भट्ट में कैसा, मतलब घर में वो लोग खुद कैसा नान बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। घर के सामने के आंगन में उन लोग का क्या क्या फ्रूट्स का प्लांट है आप लोग को वो भी देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही अच्छा नजरिया है, मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग्स आ रही है यहाँ आकर, आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग को कैसा लगता है। यहाँ पर आप लोग देखिए नान बनाने के लिए उन लोग डोफ बना के रखे ऑलरेडी, तो उसको अभी नान भट्टी गर्म करने के बाद उसमें लगा के मैं आप लोग को वो भी नजरिया दिखाती हूँ लोग किस तरह से बनाते हैं। आज बस सब कुछ देसी देसी होने वाला है, पूरा गांव की फीलिंग्स आ रही है, बहुत ही मजा आ रही है यहाँ आकर। और मेरी बेटे को आप लोग देख सकते हो, उसको पानी इतना पसंद है पानी कि मैं क्या बताऊं, जहाँ पर जाता है पहले उसके पास रह जाता है पानी के पास। यहाँ पर देखिए उनके घर के आंगन में पानी देने में बिजी हो गया है वो। हाँ बुन भाई ऑन कर दिया, तुम क्या कर रहे हो?
आप लोग यहाँ देख सकते हो उन लोग के किचन कैसा है। उन लोग किचन में यहाँ देखिए दूध है, ऑयल है और इन लोग का गैस है। देखिए खाना बनाने के लिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर गैस सिलेंडर है। हम लोग के क्या अपार्टमेंट है, हम लोग को पाइपलाइन की गैस आती है, लेकिन विलेज में आप देख सकते हो लोग सिलेंडर वाले गैस है। ये उनकी मम्मी है, देखिए उन लोग काम में लगे हैं हम लोग के लिए। देखिए शायद हम लोग के लिए बना रहे हैं। देखिए कितना है इन लोग का, मतलब ऐसा है कि मतलब मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छा है, आप लोग ये बोल सकते हो। कटिंग करेंगे अभी। यहाँ देख सकते हो अभी इन लोग जैसे कि कोई चीज शुरू का खाना शुरू करने से पहले उन लोग पहले प्रे करते हैं। तो इन लोग को अभी यहाँ पर भगवान को जैसे उनके आला को प्रे किए। अभी इन लोग मेरे हस्बैंड को उनका लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोल रहे थे। आप लोग को भी उस वीडियो में आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग सब बैठे हैं। इन लोग ऐसा हर जगह पे सेम रहता है, हम लोग बीच में इस तरह सा लॉन्ग सा टेबल रहता है, दस्तर करना है उसको अच्छे से रेडी करते हैं। उसके ऊपर अभी लोग फ्रूट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ड्राई फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें है। अभी उन लोग की खाना बन रही है, अभी हम लोग वो भी मैं शूट करके आपको दिखाऊंगी। इतना अच्छा लगता है यहाँ, अच्छे बहुत ही अच्छे माहौल है। बाहर की जो हवा है और साथ में ये की जो आंगन है, मतलब मुझे ना हमारे गाँव की फील आ रही है कि मेरे घर की फीलिंग्स आ रही है। देखिए यहाँ इन लोग पेप्सी पी रहे हैं और ये कप में पेप्सी पी रहे हैं। देखिए हम लोग इसे सूप बाउल बोलते हैं, उसमें वो लोग पेप्सी पी रहे हैं। जो बात है देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इन लोग की क्या लगा है। टॉफी देखिए, दस्तर खाना में चॉकलेट्स है, टी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ड्राई फ्रूट्स देखिए, वॉलनट है, यहाँ की वॉलनट देखिए। इतना अच्छे से इन लोग को दस्तर खाना को सजाए लोग। अभी आप पुराने में देखे होंगे उस बाउल से लगा है। ईरान में भी आपको देखने के लिए मिलेगा सेम, ईरान अफगानिस्तान में वो लोग भी जब देते हैं खाने के टाइम पे आपको टॉफी मिलता है। कोई भी लगाते खाना उस टाइम में उनका मेहमान जब आते हैं ना, उन लोगों को टॉफी का सिस्टम जो है उन लोग के पास ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर इसका अंदर ना चेरी है, ये लोग चेरी को कितना दिन रखते ना इसको लगे उसके अंदर आप ऐसा रखते हो ना 10 साल तक ऐसा रहेगा, कुछ नहीं होगा। आप उसके अंदर रखे बहुत अच्छा टेस्ट होता है। चेरी को उसके अंदर रख के लोग सील कर देते हैं, पानी एंड शुगर लगा लेते हैं, वो 1 वीक में पीने के लायक हो जाता है। इतना अच्छा टेस्ट ना, रियल जूस का टेस्ट आता है उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो जो टमाटो है और जो खीरा वो लगा है वो उनकी खुद की खेती का है। वो अभी वो आका ने हमको बताया कि उनका खुद की खेती का है। तो खीरा आप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, खीरा आप लोग देखिए, खीरा की साइज देखिए। और इतना अच्छा टेस्ट रहता है ना खीरा, बहुत अच्छा लगता है छोटा छोटा खीरा खाने के लिए।
एंड देसी टमाटर की तो मजा ही अलग है, एंड खुद की खेती से लाके खाने की तो और ही मजा अलग है। एंड आपको विलेज में ये सारी चीजें आपको मिलेगी जो सिटी में आपको नहीं मिलती। उनका जो देखिए बच्ची है बेटी, हाँ। सो रही है, तो उनका बेड देखिए किस तरह से बना है। ये तो लकड़ी का है, कितना अच्छा मस्त लग रहा है ना उनका बेड। बच्चे को नींद ही आ जाएगा उसके अंदर, उन लोग को उसके अंदर उसके स्तर से सिलाते। हमारे हिंदुस्तान में बच्चा कितना रोते रोते परेशान करता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को रोने का नहीं मैंने नहीं देखा उतना ज्यादा। वो बहुत रेयर और स्पेसिफाई रहता है, उसके मुंह पे डाल देखिए वो भी ऊपर में है तो क्यूट टुकुर 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 देख रहा है। समीरा, उसको नाम लेने से वो हंसना शुरू कर देता है। समीरा, हाउ क्यूट। देखिए यहाँ बर उनकी मम्मी जो है वो खाना बनाने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे पूरा लकड़ी है, लकड़ी लगाए ये शायद ही वो जो मटन है उसको बस धोके साल्ट डाल के लेकर आए। देखिए यहाँ पे लोग किस तरह से खाना बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो स्टिक है, इन लोगों को जो स्टिक लगाए उसमें ही उसको जला के वो लोग खाना बनाते हैं यहाँ पर। एंड पास में आप देख सकते हो तंदूरी है, तंदूरी में भी लोग अभी नान लगाएंगे। अब देखिए एंड कुछ ऑयल डाले उसके अंदर और कुछ नहीं, बस कढ़ाई ला के आयरन का ही कढ़ाई है डाले। देखिए इसमें अभी इन लोग की बनेगी खाना। तो कितना इसकी जो स्वाद है भाई, कुछ अलग लेवल की है, इतना अच्छा लगता है ना मैं क्या बताऊं। घर में इस तरह सब बना के खाना खाने से इससे अच्छा आपको खाना क्या बा? आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। राम 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 बाप रे। देखिए यहाँ पर ऑयल जस्ट गर्म हुआ, उन लोग उसमें वो मटन को डाले, बस अब उसको मिलाना शुरू करेंगे। इतना जोर से आ रही रे, बाप रे कैसा उन बना रहे मैं वही सोच रही हूँ। आज में देखिए इन लोग का तंदूर यहाँ पे है, अभी उसमें कुछ शायद लगाने के लिए डाले है, अभी जब उसको जलाएंगे तभी मालूम पड़ेगी उन लोग किस तरह से बना रहे। नॉन 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 उनकी मम्मी बता रहे उसमें नॉन ही बनाएंगे। देखिए बस उसको ऐसा मिलाते रहेंगे बीच बीच में, उसको अभी मिला दिए उसको थोड़ा। अभी देखिए इसमें वो लोग पानी डाल रहे, वो बनेगी एक तो सूप टाइप की, और बहुत ही मतलब स्वाद उसकी मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा स्वाद आती है उसमें, तो अलग लेवल का स्वाद आता है उसमें। बस कुछ नहीं, ऑयल डाले, मटन डाले, उसके सॉल्ट डाल दिए, अभी उसमें डाले पानी। पानी में वो बॉईल हो के जैसे कि हम लोग का रहता ना शोरबा टाइप का बन जाती है, उस टाइप का वो बनेगा। देखिए उसको भी ढक्कन लगा दिए बस। समीरा कैसा देख रहे हो आप लोग, देखिए मैं भी हमको यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे मैंने पहले दिखाई वहाँ पे उन लोग की जेंट्स लोग बैठने के लिए, जितने भी लेडीज है वो सब यहीं पर बैठेंगे लेडीज लोग के लिए। उन लोग देखिए इस तरह से अरेंजमेंट किए, सेम है वहाँ पे फ्रूट्स है, यहाँ पर भी सेम फ्रूट्स है, टॉफीज है, केक है, यहाँ पर देख सकते हो केक है। वो उनकी छोटी बहन है जो अभी चाय निकाल रही है मेरे लिए एंड उनकी भाभी के लिए, एंड उनकी भाभी अभी यहाँ पर, उनके बच्चे को देख सकते हैं आप नीचे ऐसा सो के कुछ ना कुछ वो अपने लैंग्वेज में बात कर रही। एंड उनके घर आप मैं आप लोग दिखा दूँ, देखिए किस तरह से है घर इन लोग का। यहाँ पे देखिए इन लोग का जो पिल्लो है बैठने के लिए, अगर पीछे आप लेट जाता हो ना बस क्या मजा आती है इसमें, बहुत ही अच्छा है, अच्छा लग रहा। एंड ये है उन लोग का नीचे की मैं आपको दिखा रही हूँ, हम लोग सब यहीं पर इस तरह से बैठे, और उनकी बेटी देखिए हम लोग सब इधर बैठे हैं अभी। ये जो टेडी है उनको भैया ने उनको दिए थे, वो बता रहे कि उनके बर्थडे में, और ये उनकी शादी का फोटो है आप लोग देख सकते हो शादी में। यहाँ आप देखिए उन लोग का ड्रेसिंग टेबल है इस तरह से, उन लोग की सामान इस तरह से रखे,
यहाँ पर देखिए टेडी कितना प्यारे लग रहे हैं ना आपको, उनके घर की नजरिया इतना अच्छा लग रहा है। देखिए नीचे कारपेट है, यहाँ पर इस तरह सा है। यहाँ पर देखिए इन लोग नान के लिए अभी यहाँ रेडी कर रहे हैं। जो हमारे को बुलाए उनका मम्मी है और उनका भाभी है, वो अभी नान बना रहे हैं। मैं भी यहाँ बैठ के देखती हूँ। ओके हमारे भी सेम है ना, इधर उधर में लगाने के लिए हम लोग उसको नान करके लगाते हैं, पतला पतला या थोड़ा मोटा 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 लगाते हैं। मारना पड़ेगा हार्ड, दो तीन दिन का सकते हैं, हमारा ऊपर दिन रहता नहीं। चाय उसके अंदर रहता है, वो चाय निकाल रहे, लेमन लेमन टी वो हो गया तो नॉर्मल टी बोलो, बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है उसका। दो बार मिला के केटली से निकालते हैं, उनको हमेशा इंटर डे में वही चलते रहता है। ओके नमस्ते हिंदुस्तान। देखिए यहाँ पे हम लोग के लिए उन लोग खाना लाए, जैसे कि हमें आपको दिखाई थी ना वीडियो की स्टार्टिंग में, वो लोग बना रहे थे। देखिए मटन एंड उसकी शोरबा जो इस तरह था वो लोग खिलाते हैं। भाई गोड़ ये बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है उसकी। हाँ प्लेन वो चिकन हो गया, मटन हो गया, जो भी है उन लोग का ये एक डिशेज इसमें बनता है। उसमें कोई स्पाइसेस नहीं है, मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सॉल्ट रहता है, ऑयल बस गर्म पानी में उसको इस तरह से बॉईल करके बनाते हैं। देखिए उनकी बेटी को कपड़ा पहना रहे अभी, सेम हमारे इंडिया जैसे बच्चे देखिए कैसा कर रहे हैं, पैर को उधर लेके ऐसा करके देख रहे टुकुर टुकुर। क्या हो गया? नमस्ते हिंदुस्तान। देखिए अभी नान भट्टी उन लोग का रेडी हो रही है, उन लोग रेडी कर रहे हैं नान भट्टी। देखिए यहाँ पे जो स्टिक है वही स्टिक है उन लोग कोई भट्टी के अंदर में डाले। देखिए बाप रे बाप इतना जोर से, मतलब उसकी धांसा आ रही ना, पूरा गर्म हो जा रही मेरी फेस। देखिए
साइड में जो सुबह आप लोगों को मैंने दिखाई जो यहाँ पर वो लोग मटन बना रहे थे वो ये वाला कंटेनर यहाँ पर है और उसके साइड में आप देखिए लग रही है बहुत बहुत तेज आ रही बाबरी, तो खड़ा नहीं हो सकते हम। आप देखिए देख सकते हो उन लोग की लाइफस्टाइल कैसा है, उन लोग इस तरह से नान बनाते हैं। और यहाँ लोग घर की जो नान रहता है वो वन वीक तक उन लोग रखते हैं। ऐसा मैं आप लोग दिखाई ना, जैसे कि हम लोग अभी खाना खाने के टाइम पे उस तरह टुकड़ा टुकड़ा करके टेबल में ऐसा रखते हैं दस्तर खाना पे जहाँ पर उन लोग खाते हैं, तो फिर सब उसको शेयर करके खाते हैं। देखिए ये स्टिक, ये जो लकड़ी अभी हम वो लोग जला रहे हैं आप देख सकते हो, वही उनका ही बाड़ी का रहता है कि वो बहुत सारा प्लांट है किधर किधर से निकल जाती है ना सूखने के बाद, वो उसको कलेक्ट करके एक रूम में ऐसा रखते हैं, फिर उसको उन लोग कोई खाना बनाने टाइम यूज करते हैं। गैस में उन लोग जैसे मैंने बात किया, उन लोग गैस में बहुत कम टाइम बनाते, ज्यादा इधर से बनाते क्योंकि उन लोग तो नॉनवेज ज्यादा ही खाते हैं, वेज में बहुत कम है। यहाँ पर देख सकते हो एक आपा वहाँ पर आलू काट रहे, पता नहीं क्या बनाने के लिए काट रहे, लेकिन आलू कटिंग उनका चालू है सुबह से। अभी टाइम हो रहा 2, मतलब टाइम कैसा बीत गया इन लोग के साथ मालूम नहीं पड़ रहा। फिर हम लोग निकलेंगे इवनिंग को, इवनिंग तक तो आप लोग देखिए इन लोग का लाइफ स्टाइल, उन लोग क्या कर रहे कैसे खा रहे। यहाँ पर देख सकते हो बकरी, बकरी यहाँ पर है बकरी। बस वीडियो तो मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ा है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, आप लोग प्लीज जुड़े रहिएगा, सेकेंड पार्ट भी जरूर देखिएगा। देखिए वो बता रहे हैं कि उनको गजा पया बोलते हैं उन लोग की लैंग्वेज में, वो जो हम लोग को लकड़ी को ऐसा बोलते है, हाँ दान बनाने के लिए उसको अंदर डाल रहे। देखिए इन लोग की घर देखिए किस तरह से मिट्टी का, देखिए आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बस इन लोग की जो किचन है, किचन आप इन लोग को इस तरह से बना है, बाकी का तो घर है तो सीमेंट का है लेकिन उसका छप्पर ही सेम टाइल्स है। Don't watch it.